Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. एक बहुत का कमाल का एक्सपीरियंस है। पिछली बार हमने इंटरव्यू दिया था कि कुछ ऐसा आने वाला है, क्योंकि कुछ इस तरीके का गाना हम लोग कर रहे हैं। फिर उसमें बहुत मेहनत हुई, पूरे एक डेढ़ दो महीने का काम हुआ गानों को लेकर। उसके लिरिक्स बने, उसका म्यूज़िक बना, और म्यूज़िक में हमने राज सर को बहुत सारे ऑप्शन भेजे थे, तो बहुत टाइम से पसंद नहीं आ रहे थे। फिर एक अचानक से एक गाना पसंद आया उनको, जो गाना अभी आपने देखा। तो मेरे को लगा कि इस गाने में क्या है ऐसा, क्या मतलब क्या देखा होगा। तो हमने जब उसको बनाया, एक उसको बॉडी दी गाने को, तो एक बहुत वो बहुत अच्छा गाना निकल के आया बाहर। हमारी ओर से हम तो हमें ये लगता है कि बहुत अच्छा निकल के आया। अब जनता का फैसला रहता है इसमें कि वो कैसा लगेगा बाहर। एक कमाल का एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा ये वीडियो। इंसान तो चला जाता है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और राज सर ने बहुत इसमें मेहनत की है, एक एक लिरिक्स के ऊपर। इतनी बार हमें तो पहली बार में लिरिक्स अच्छा लग जाता है, इनको पहली बार में अच्छा ही नहीं लगता है। वो इतना 15-20 बार वो उसको चेंज करके जो सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट, हम लोगों ने निकाल के रखा है। और शूटिंग में भी बहुत मज़ा आया। मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, मतलब जो भी हम लोग फीचर कर रहे हैं इसमें। तो जो शूटिंग हुई, पहले तो मतलब गाने बने, उसके लिरिक्स आए, फिर उसमें सुर दिया गया। तो मतलब कितनी मेहनत लगती है, हम सब ने मतलब आँखों के सामने देखा है इतना। मतलब मैंने तो सिर्फ गाना गाया, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। पहले मतलब लिरिक्स को लेके मिनिमम एक हफ्ता लगाया, क्योंकि एक एक वर्ड को लेके सबने सोचा, सर ने सोचा कि मतलब ये वर्ड कैसे जाएगा गाने के साथ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया सब लोगों ने। उसके बाद सुर दिया आशीष एंड पवन ने बहुत ही अच्छे से, मतलब और उसको मैं गा पाई, तो मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ। और शूटिंग के दिन बहुत ही, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ होता है, और कैसे मतलब कैसे क्या किया जाता है मुझे कुछ पता नहीं था। तो सर लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया सर लोगों ने। और मौसम का कुछ अता पता था नहीं, बहुत स्ट्रगल भी हुआ उस दिन, क्योंकि मतलब बारिश का मौसम था और कब बारिश आएगा कुछ पता नहीं था। तो मतलब इमीडिएट सब सेटअप यहाँ से वहाँ चेंज करना पड़ रहा था, और बहुत ही गर्मी थी। तो उसमें से कैसे मैनेज करके उसमें भी सेम फील लेके कैसे करना, तो बॉब सर एंड पवन सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मुझे तो बहुत हेल्प किया उन्होंने, एक एक चीज़ सिखा के दिया। और राज सर ने तो बस सबको डायरेक्ट किया है, सबको संभाला है, तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। एक्चुअली इंडियन आइडल में जब भी हम लोगों ने इनको देखा था, सो ये गाना जब मैंने विजुअलाइज किया था, तो मुझे ये था कि इनको पूरी तरीके से चेंज करना चाहिए, कॉस्ट्यूम में भी और स्टाइल में भी और एक्सप्रेशन में भी, डांस में भी। और हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था जब ये गाना रिकॉर्डिंग हुआ था, जब ही मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया था कि कैसा विजुअलाइज होगा। सो हम लोग वो लोकेशन पे गए, रेकी किए, तो किधर कौन सा वो पार्ट कहाँ कहाँ शूट होगा करके। हम लोग की पूरी टीम थी, कोरियोग्राफर थे पवन, बॉब, और हम लोग की सारी टीम गई और कहाँ कहाँ लोकेशन में कहाँ कहाँ शूट होना है ये, और एडिट के बाद कैसा लगेगा, वो हिसाब से हम लोग ने ये शूट किया है। लेकिन ये पहली बार है कि पवनदीप और अरुणिता ने एक्टिंग भी की है और गाना भी गाया है, और पवनदीप ने इसमें म्यूज़िक भी दिया है आशीष के साथ में। और बहुत अच्छा गाना है ये, और जो म्यूज़िक है बहुत नया है, और आपने तो गाना देखा ही है, क्योंकि ऐसा गाना इन दोनों पर अभी तक कोई पिक्चराइज हुआ नहीं है। और मैं चाहूँगा कि और भी हम लोग एक तरीके से गाना करें। अभी हम लोग अभी इतना साल हो गया है मुझे इंडस्ट्री में, एक्चुअली 23 साल हो गए हैं, तो मैंने सारे लोकेशन देख लिए हैं, पूरे दुनिया के भी और पूरे इंडिया के भी। सो इतना तो आइडिया बन जाता है कि किधर क्या अच्छा लगेगा करके। और जाके रेकी भी किए, और अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा है, बहुत ग्रैंड है। हम लोग ने पिक्चराइज भी बहुत अच्छे से किया है, जो DOP है वो उसने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि एक नॉर्मल म्यूज़िक वीडियो है,
ये हम लोग ने इसको एड फिल्म की तरह ट्रीटमेंट दिया है। और पहली बार है कि जैसे बॉलीवुड के गाने होते हैं, जैसे कि हाई स्पीड में जो होता है, जो जैसे कि शाहरुख खान और काजोल सूरज हुआ मध्यम, तो वो हिसाब से शूट किया। 80% जो इनका गाना है वो हाई स्पीड में है, जो कि स्लोमो है। और रोमांटिक गाने का जो वही होता है कि फिल्मों में जब रोमांटिक गाने शूट होते हैं तो वो हाई स्पीड में ही होते हैं 80%, तो हम लोग ने 80% हाई स्पीड में ही शूट किया था, तो क्योंकि इनसे वो फील आया क्योंकि रोमांटिक गाना है ये। ऐसा डर नहीं था कुछ भी, क्योंकि ये सारी प्रोसेस चल रही मेरी लाइफ में, तो एकदम टर्निंग पॉइंट आया, एकदम हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और इंडियन आइडल जैसा शो आया और उसमें हम लोगों ने सभी ने शिरकत की और उसमें बहुत अच्छा भी हुआ। तो उसके बाद आगे क्या करना है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी तक तो सोनी वाले संभाल रहे थे हमें, तो बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो आगे अभी जर्नी इंडियन आइडल के बाद स्टार्ट होती है, तो इसमें सर हमसे मिले थे इंडियन आइडल के बीच शो में, जहां हम लोगों ने सर के साथ एक सर ने एक गाना शूट किया था मारुति सुजुकी के लिए हमारे साथ, तो उसमें देखा कि बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया उसको। तो सर ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताया, तब मैंने सोचा कि अच्छा ऐसे ही होगा कुछ, मतलब मैंने इतना वो नहीं गौर नहीं किया था इस बात पे। फिर बाद में जब चीज़ें होने लगी, हम लोग मिले, उसके बाद एक डेढ़ महीने तक तो बस हम लोग ये इसी हॉल में बस अपना प्रैक्टिस वगैरह काम कर रहे थे कि किस तरह से चीज़ें होंगी। जब फ्लोर पे पहुँचे, फ्लोर पे पहुँचने से पहले बहुत सारी मेहनत हुई थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक खुशनसीबी वाली बात है कि ये सब चीज़ें शो के तुरंत बाद मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे शोज़ में नहीं भी मिल सकती हैं। ऐसा होता है कि हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, अभी फ़िलहाल तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इतना, सर लोगों ने साथ दिया, एकदम घर की तरह रखते हैं सभी लोग, तो खुशनसीब हैं हम लोग, खुशनसीब कहूँगा अपने आप को। शूटिंग करते टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि एक मूवी का शूट चल रहा है और बचपन से ये चीज़ें देखते हैं तो कैसे होती होगी मूवी शूट, तो वो पता चला कि इस तरह से होती है। एक एक सीन के 5 शॉट अलग अलग जगह से लगते हैं, तो वो इतने सारे, अरुणिता बोल रही थी मुझे इतने सारे शॉट क्यों ले रहे हैं, मैंने कहा वो अलग अलग एंगल से लेते हैं, तो एक साथ एक शॉट को बनाने के लिए 5 शॉट लगते हैं, तो ऐसा तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था शूटिंग और गाने का। जो हाई स्पीड सर कह रहे हैं वो उसमें बहुत टफ होता है गाना, मतलब मैं तो लिरिक्स भूल जा, मतलब मेरे को लिरिक्स याद थे पर उतनी स्पीड में गाने में लिरिक्स डगमगा जा रहे थे मेरे, तो बहुत मुश्किल से ऐसे ट्राई किया, फिर प्रैक्टिस किया, तो सर ने पूरा सपोर्ट भी किया उसमें बहुत बढ़िया, तो हमने अच्छे से कर पाया उसको। मैं बोलूँगी मिक्स फीलिंग्स था मुझे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं थी कि क्या, मतलब बस रिहर्सल किया था और सर लोगों ने बोला था कि ऐसा ऐसा रहेगा, तो टेंशन मत लेना हम रहेंगे वहाँ पे, तो सामने सब थे जिन्होंने, मतलब जिन्होंने सब सिखाया वो सब सामने थे, और मतलब गलती हो रही थी तो बार बार बोल रहे थे और मतलब दिखा रहे थे कि पहले ये पार्ट कर लेते फिर उसके बाद ये पार्ट करते, मतलब कोई प्रेशराइज ऐसा फील हुआ ही नहीं कि बहुत प्रेशर है, हो नहीं रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ लगा नहीं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने शूट किया, बहुत एकदम अच्छे माइंड से शूट किया कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या फिर बहुत प्रेशराइज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से शूट किया हम लोगों ने और बहुत मज़ा आया मुझे तो, मतलब ऐसे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब इतने सारे कैमरा और एकदम से सामने ऐसे होके जा रहे, तो उसमें कैसे मतलब फ्रीली उसमें एक्सप्रेस करना अपने एक्सप्रेशंस, तो वो सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, पर इतने अच्छे से सपोर्ट किया सर लोगों ने तो। हाँ, मुझे एक्चुअली लोग दोनों ने गाना तो गा लिया था, तो काफ़ी लोग ने बोला था एक काम करोगे किसी और पे पिक्चराइज कर लो, क्योंकि हमारे एक्टर्स आई नो हम लोग बहुत सारे एक्टर्स को जानते भी है, तो बोल रहे थे इनसे खाली गवा लो और किसी एक्टर पे शूट कर लो क्योंकि इजी हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों से पूछा था एक बार कि भाई तुम लोग कर लेंगे ना ये सब कुछ, क्योंकि मुझे इन पर ही पिक्चराइज करना था, और इनका इनके लिए ही कॉन्सेप्ट बनाया था। तो मुझे बहुत जैसे मेरे एक्टर्स फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत बोला था कि हमको भी गाना करना है करके ये सब चीज़ें, तो मैंने बोला नहीं कि ये लोग के ऊपर ही हम लोग ने रिहर्सल्स किया है और इसी के साथ हम लोग जाएंगे, और इन्होंने बहुत अच्छा किया। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा है लोग करेंगे, क्योंकि इतना सारा एक्टिंग था और इंडियन आइडल से एकदम अपोजिट था ये शूटिंग करना, क्योंकि ये नॉर्मल कैमरे पे शूट नहीं हो रहा था, ये पूरे फिल्म के कैमरे पे शूट हो रहा था, और इसमें जो हम लोगों ने लेंस भी यूज़ की है वो जो एड फिल्म में यूज होती है, जो एक एनामोफिक लेंस होती है वो एब्रॉड के म्यूज़िक वीडियो में शूट होती है, तो बहुत अच्छा शूट किया
और एक्सप्रेशन भी एकदम अच्छे थे, और जो केमिस्ट्री जो इन दोनों की है मुझे नहीं लगता किसी एक्टर में भी हो सकती थी। वो दोनों की केमिस्ट्री जो इन लोग ने जो निभाया है वो किसी एक्टर में भी नहीं हो सकती थी। सो रिज़ल्ट देखने के बाद तो अच्छा ही लगता है कि सब कुछ, डर तो नहीं लगा लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाना जाने से पहले ही अगर मैंने एडिट पे देख लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक्चुअली ये गाना खाली हम लोगों को प्लीज़ करने के लिए नहीं है कि मुझे गाना शूट करना है और इन्होंने म्यूज़िक दिया, उन्होंने एक्चुअली लोगों को ध्यान में रखे हुए शूट भी किया है, म्यूज़िक भी वो दिया है, लिरिक्स भी वो दिए, तो ये कैसा पब्लिक रिएक्ट करेंगे जो इनके फैंस है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और उन लोगों को क्या देखना है और सब कुछ है, उस पर ही हम लोग ने ये गाना शूट किया है। फैमिली का रिएक्शन तो कमाल का ही रहता है क्योंकि इस तरह की चीज़ें वो लोग तो सब घर पर बैठ के टीवी देखते हैं, तो अब वो टीवी वाली चीज़ें हमारे साथ रियल में होती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, फैमिली को अच्छा ही लगता है, म्यूज़िकल फैमिली है हमारी, और तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ कर पाऊँ आगे भी, तो इसलिए हम लोग अपना गाँव छोड़ के इतने दूर देश आते हैं, तो एक कमाल का एक्सपीरियंस है। नहीं गाने तो नहीं देखे उन लोगों ने, देखेंगे ऑब्वियसली तब सब रिलीज़ होगा। फैमिली ने बचपन से बहुत सपोर्ट किया है, मतलब ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बस तुमको जिस चीज़ में खुशी है तुम वो करो, तो बहुत सपोर्टिव फैमिली है, आई एम सो लकी, तो मतलब बहुत ही खुश है, बहुत एक्साइटेड है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं देखने के लिए। अभी देखते हैं, हम लोग ने तो एक सीरीज प्लान की है जो हम लोग ने अनाउंस किया था लास्ट टाइम वो है, और जैसे कि अभी देखते हैं, अभी एक गाने का रिस्पांस देखने के बाद में अगर ये लोग हम लोगों को डेट्स देंगे तो ये लोग के साथ में काम करेंगे तो ये लोग भी एक्चुअली ये लोग बिजी है, ये लोग जा रहे हैं यूके और टूर पे, सो ये गाने का रिस्पांस देखने के बाद में हम लोग देखेंगे कैसा करना है, लेकिन हमें वो 5 गानों की जो सीरीज हम लोगों ने अनाउंस की थी वो तो हमें करना ही है, और वो कॉन्सेप्ट भी लॉक है सब कुछ, वो देखते हैं फिर कैसा होता है ये। जैसे अभी शूटिंग से पहले सॉन्ग रिकॉर्ड होता है तो मैंने एक बार रात में सर को एक फाइल भेजी थी खुद प्रोग्रामिंग करके, तो सर ने बोला ये ठीक है अच्छा है, तो फिर मैंने सर से डिमांड की कि मुझे 10 तबले 10 ढोलक चाहिए इसमें, तो सर ने बोला इतना क्या होता है उसमें, मैंने कहा सर वो बढ़िया होता है, मतलब मेरा भी एक सपना था कि मैं इतने लोगों को एक साथ रिकॉर्ड करूं और साथ में बजाऊं भी उनके, बट मैंने बजाया तो नहीं, बट मैंने उनको सुना, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, और वीडियो देखता था प्रीतम दा वगैरह के यूट्यूब पे, तो उसमें इतने ही लोग बजा रहे होते हैं तो एक गाने को बहुत अच्छा, इतने लोगों की एनर्जी मिलती है गाने को तो वो बहुत अच्छा होता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो हम लोगों ने वो तबला ढोलक रिकॉर्ड किया, 10 तबले 10 ढोलक इस तरह से, और हमारे तापस दा इंडिया के नंबर 1 स्ट्रोक प्लेयर हैं तो उनसे हमने स्ट्रोक्स करवाए, मैंडोलियन बाजूकी और रबाब ये सब, और हमारे ईशान दास गिटारिस्ट, तो सभी लोग बहुत टॉप के म्यूजिशियंस हैं और सभी लोग ने बहुत काम किया है, और प्रोग्रामिंग हमने खुद से की है, तो हमारे जिन्होंने बेस बजाया, बेस गिटार सुनाई नहीं देता वैसे, वो बस दुम दुम आवाज़ करता है, बट वो गाने का बेस वही होता है, एक नींव होती है, तो वो जो हमारी नींव है वो बॉक्सी भाई ने बजाई है, हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं। तो एक कमाल का एक्सपीरियंस था म्यूज़िक करना कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, उस दिन बहुत सीखने को भी मिला कि आगे जाके और क्या गलतियां हो सकती हैं और हमें आगे जाके क्या करना है, तो हमारा पहला एक्सपीरियंस था तो बहुत कमाल का। अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सब लोगों ने, और मतलब इतना सपोर्ट मैंने तो खुद नहीं सोचा था कि मतलब पता ही नहीं था कि पब्लिक रिस्पॉन्स या पब्लिक की सपोर्ट क्या होती है, तो इतना देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ऐसे इंस्पायर करते हैं पब्लिक की, और भी काम करना चाहिए, उन लोगों को खुश रखना चाहिए, तो बस काम के ज़रिए खुश रखने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सब लोगों ने मेहनत की है तो ज़रूर देखें, और बहुत बहुत प्यार दें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जनता का जो कि इतना प्यार देती है, उनकी वजह से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं ताकि हम उनको कुछ खुशी दे पाएँ अगर हमारे जो हाथ में होता है, और बस यही चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें क्योंकि हमारा पहला ही काम है इंडियन आइडल के बाद, तो गाने बहुत सारे आए पर जिसमें हम लोग एकदम प्रॉपर फीचर हो रहे हैं और प्रॉपर शूट हुआ जो प्रॉपर हमारा गाना है और हमने म्यूज़िक किया है उसमें खुद,
तो हमारा पहला गाना है, तो मैं चाहूँगा कि उसको उसी तरीके का प्यार दें, और आप लोगों से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला।